नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपने गाड़ी का इंश्योरेंस चेक करना चाहते हैं कि आपका गाड़ी का इंश्योरेंस कब तक है या ख़त्म हो गया, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है। मोबाइल पे आने के बाद किसी भी गाड़ी का या अपने गाड़ी का इंश्योरेंस चेक करने के लिए कि आपके गाड़ी का इंश्योरेंस बचा हुआ है या ख़त्म हो गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। तो चलिए, हमारे फ़ोन में गूगल क्रोम है तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कार इन्फो टाइप करना है। टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ से इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ऊपर में आपको कार इन्फो का वेबसाइट दिख जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको ऊपर में एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक कार इंश्योरेंस या बाइक इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप कार का इंश्योरेंस चेक करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप बाइक का इंश्योरेंस चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। तो चलिए, हमको बाइक का इंश्योरेंस चेक करना है तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो भी आपका गाड़ी का नंबर है वह डालने के लिए आ जाएगा और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपना गाड़ी का नंबर किस तरह से डालना है। तो चलिए, यहाँ पर हम अपना गाड़ी का नंबर डाल लेते हैं। गाड़ी का नंबर डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ऊपर में जिसके भी नेम से गाड़ी होगा वह दिख जाएगा और नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपायरिंग के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेरा जो इंश्योरेंस है वह 8 मार्च 2025 का एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर किस कंपनी से मेरा इंश्योरेंस कराया गया है वो भी बताया जा रहा है और यहाँ पर जो भी मेरा पॉलिसी नंबर है वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस चेक कर सकते हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस कब तक है या ख़त्म हो गया। धन्यवाद।